जनहित की खबर प्रमुखता से प्रकाशित करने वाले एसडीएम कोटा ने समय न्यूज लाइव को दिया धन्यवाद। समय न्यूज लाइव ने प्रमुखता से आमा गोहन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मामले को प्रकाशित किया था। वहां की प्रभारी मिथिलेश भारद्वाज के द्वारा स्टाफ को प्रताड़ित करने वाली खबर समय न्यूज लाइव ने चलाई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए कोटा एसडीएम युगल किशोर उर्वशा एवं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने उक्त स्थल का निरीक्षण किया और जांच की बात कही और स्टाफ में मतभेद दिखाई पड़ रहा था। एसडीएम उर्वशा ने सभी स्टाफ से 1-to-1 बातें कर स्टाफ के बीच मध्यस्थता कराकर विवादों को सुलझा लिया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान एसडीएम कोटा ने बताया, आपसी मतभेद के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, लेकिन हमारे द्वारा समझाइश दी गई, जिसे उपस्थित स्टाफ ने स्वीकारा और आगे ऐसे मनमुटाव की स्थिति नहीं बनेगी। हमने कहा है कि ग्रामीणों का इलाज और अस्पताल खुलने का समय निश्चित कर और सभी स्टाफ उपस्थित होकर कार्य करें। एसडीएम कोटा ने कहा, यदि इसके बाद भी अस्पताल में किसी भी प्रकार की शिकायत आती है तो उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम कोटा ने समय न्यूज को बधाई दी कि समय समय पर ऐसे जनहित के मामले पर स्वास्थ्य संबंधी मामले को उजागर कर रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है और हम तत्काल उसका निराकरण करते हैं। मेडिकल ऑफिसर निखिलेश गुप्ता ने सभी की बात सुनकर और समझाइश देकर एक दूसरे से गले लगाकर और ताली बजाकर लोगों के बीच मन मुटाव को खत्म किया। क्या है, आपस में समन्वय बनाकर काम करें और स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी यहाँ पर उपलब्ध हैं उसका समुचित इलाज करें, लोगों को सुविधा दें। कहीं किसी प्रकार के यदि समन्वय की कमी है तो आपस में समन्वय करें, कोई बात होती है तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताएं और स्थानीय स्तर पर भी उसका निराकरण करने का प्रयास करें। और कोई विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो उसको ऐसा नहीं कि हम अनावश्यक उसको तूल देने का प्रयास करें, हम आपस में बैठ कर ही हम समाधान करने के लिए उनको कहा गया है। और कोई भी यदि गंभीर शिकायत मिलती है तो जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। कलेक्टर सर के द्वारा लगातार स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की जा रही है और उनको निर्देशित भी किया जा रहा है कि सभी मुख्यालय में रहें और मुख्यालय में नहीं रहने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है और इस प्रकार की कुछ शिकायतें मिली हैं उसको वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया जाए। संभागीय जिला ब्यूरो रवि राज रजक की रिपोर्ट।